हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वाली पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है पैकिंग आइटम्स के ऊपर। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी आइटम मिस ना हो जाए। क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो गाइस, एंड तक इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में आ रहे नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, एंड नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइटम है जो आप लोगों को दिखाना है, एंड काफ़ी सारी बातचीत में आप लोगों से करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे पीछे सारा का सारा मेरे शॉपिंग आइटम है, जो भी मैं लेकर के जा रहा हूँ कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो मैंने एक बार अपना चेक इन बैग के अंदर सारा का सारा सामान डाल करके देख लिया है, आराम से इजीली सब कुछ फिट हो चुका है। मुझे 2 bags अलाउड है 23 kgs के, एयर कनाडा की मेरी फ्लाइट है, तो फिर आराम से सारा का सारा फिट हो चुका है मेरे को, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो फिर आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपना आइटम्स दिखाने स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मैं मई के अंदर जा रहा हूँ, तो फिर मई के अंदर मैं इसको पहन सकता हूँ। वहाँ पर 7-8 degrees वगैरह हो रखा है, तो फिर इतने ज़्यादा मुझे ठंड वहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेकंड, मेरे को ये विंडशीटर है, मैंने विंडशीटर ले ली थी, एक ब्लैक कलर की ली थी, एंड दूसरी वाली मैंने ये ग्रे एंड ब्लैक कलर की ली थी। ये विंडशीटर क्या होती है कि ये ना विंड को अपने अंदर पास नहीं होने देती है, बॉडी को हीट रखती है, तो फिर ज़्यादा ठंड वगैरह लगेगी नहीं, इसलिए मैंने विंडशीटर ले ली थी। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर पजामे रख लिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने 5 अपने लिए पजामे रख लिए हैं, क्योंकि मैं घर वगैरह के अंदर पजामे पहनता हूँ, ग्रोसरी वगैरह करूँगा, तो फिर पजामे ही सूटेबल रहेंगे। तो फिर मैंने इसलिए अपने साथ ये लोअर वगैरह रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट, ये मैंने स्वेटर वगैरह रखे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो मैंने ये 5 अपने साथ स्वेटर या फिर पुल ओवर, जो भी आप कह सकते हो, मैंने अपने साथ ये रखे हैं। ये भी मोंटे कार्लो के हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्योर वूल के अंदर है, लैम्स वूल के अंदर है, तो फिर इतने ज़्यादा मुझे ठंड नहीं लगने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एंड वूलन लिया। बाकी अगर ठंड लगती है तो फिर मैं अपने हिसाब से वहाँ पर परचेज कर सकता हूँ। बाकी मैंने अपने साथ यहाँ पर 5 रख लिए हैं, इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर अगर जब आपको ठंड पड़ेगी तो फिर आपको वहीं के हिसाब से विंटर जैकेट खरीदनी पड़ेगी, इसलिए अभी मैंने 5 अपने साथ में स्वेटर रखे हैं, बाकी बाद में वहाँ पर जाकर देख लूँगा। नेक्स्ट, मैंने अपने साथ में यहाँ पर ये हुडीज़ वगैरह भी रख लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने अपने साथ में ये 4 हुडीज़ रखी हैं। मैं इतने ज़्यादा हुडीज़ वगैरह वैसे पहनता नहीं हूँ, पर लेकिन फिर भी कॉलेज वगैरह के अंदर जाने के लिए मैंने अपने साथ ये हुडीज़ वगैरह रख लिया। इतने ज़्यादा ठंड वगैरह लगेगी नहीं, लगेगी तो वैसे भी विंटर जैकेट ही काम करेगी, तो 4 हुडीज़ इज़ एनफ। नेक्स्ट, मैंने अपने साथ में ये ब्लैंकेट रख लिया है, कोचर गोल्ड का। ये सिग्नेचर वालों का ही अपना ब्रांड होता है, बस इसमें लोगो नहीं लगा रहता, इसको बनाता सिग्नेचर ही है। तो फिर मैंने अपने साथ में ये ब्लैंकेट रख लिया है, अगर ये मेरे बैग के अंदर आ पाएगा तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा, नहीं तो मैं वैक्यूम पैक करके देखता हूँ, लेकर मैं शायद जाऊंगा इसको, क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग की जो ठंड वगैरह होती है ना, जैसे कि अभी विंटर्स ख़त्म हुई है, समर आया है, तो फिर 7-8 degrees वगैरह हो सकता है, तो फिर मैं इसको अपने साथ यूज़ करूँगा, तो शायद इसको मैं वैक्यूम करा लूँगा एंड अपने बैग के अंदर आराम से आ जाएगा ये। एंड गाइस, ये सिंगल बेड का ब्लैंकेट है, तो फिर इसको मैं आराम से अपना वैक्यूम करा के बैग के अंदर डाल सकता हूँ। मैंने 3 pairs के अपने साथ में थर्मल वियर रखे हैं, जैसे ठंड वगैरह पड़ती है तो फिर मैं इसको पहन लेता हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ठंड लगेगी नहीं, वैसे भी वहाँ पर विंटर जैकेट का काम होगा, ये तो नाम के लिए होते हैं, पर लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो ठंड को बचाएगी, इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ। सो नेक्स्ट, मैंने ये जीन्स रख ली अपने साथ में, एलन सोली की, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जीन्स। सो गाइज, मैंने अपने साथ में 5 जीन्स रखी है, इसकी क्वालिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एलन सोली की जीन्स की, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है एंड इतनी जल्दी फटता भी नहीं है, रफ़ भी नहीं होता, इसलिए मैंने एलन सोली की जीन्स प्रेफर करी है। आप कोई सी भी ले सकते हो, लिवाइस वगैरह की ले सकते हो, मेरे को एलन सोली की पसंद है, इसलिए मैंने एलन सोली की ली है। कॉलेज वगैरह पहनने के लिए ईजी रहेगा, बाकी शिफ्ट वगैरह पर पहनने के लिए तो मैंने पजामे वगैरह लिए हैं, क्योंकि इन्हीं में काम हो सकता है, जीन्स में कोई काम नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर स्वेट शर्ट, मैंने अपने साथ में 1, 2, 3, 4, 5। सो मैंने अपने साथ में 5 स्वेट शर्ट्स रखी हैं, ये बिना हुडी की होती हैं, तो फिर ये भी मैं पहन लेता हूँ, तो फिर ज़्यादा इजी रहता है मेरे को वियर करने के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, कॉलेज वगैरह के अंदर इसको पहन के जा सकते हैं एंड शिफ्ट वगैरह पे भी इसको ईजिली पहन के जा सकते हैं ठंड के अंदर।
सो गाइज ये तो होगी ठंड की बात है, अब यहाँ पर ये टी शर्ट्स हैं गर्मियों में पहनने के लिए। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 मैंने अपने साथ में 10 टी शर्ट्स रखी हैं, बिकॉज घर घर के अंदर तो फिर टी शर्ट्स ही पहनेंगे, ये ज़्यादा हुडीज वगैरह सर्दियों के अंदर काम नहीं करती है, तो गर्मियों में जैसे कि बाहर जाना हो। सो मैंने अपने साथ में ये 10 टी शर्ट्स रखी हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर हुडीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पहनी जा सकती हैं, तो फिर मैंने टी शर्ट वगैरह रख ली है। शिफ्ट पर जाऊँगा तो टी शर्ट पहन के ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, क्योंकि टी शर्ट्स में ही ज़्यादातर सूटेबल रहता है एंड ईजी रहता है वर्क करने के लिए अंदर। एंड घर के अंदर भी इतने ज़्यादा तुम ये सब चीज़ें नहीं पहन सकते, क्योंकि वहाँ पर अंदर हीटर चल रहा होता है सर्दियों के अंदर, एंड गर्मी में तो वैसे भी गर्मी है, तो फिर टी शर्ट ईजीली है। मैंने यहाँ पर वूलन कैप्स ले ली हैं 3 सर्दियों के लिए। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अंदर से मेरे को फर मिल जाता है इसके अंदर देखने के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो फिर मैं इसको 3 लेकर के जा रहा हूँ, बिकॉज सर्दियों के अंदर थोड़ा सा कैप वगैरह पहन लेना चाहिए, सर्दी नहीं लगती है इतनी। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये सॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो गाइज मैंने यहाँ पर ये 6 पेयर्स सॉक्स ले लिए हैं, ये विंटर्स के लिए मैंने सॉक्स लिए हैं, ये मोटे वाले सॉक्स हैं ताकि ठंड वगैरह ना लगे एंड गर्मियों के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। सो गाइज मैंने गर्मियों के लिए अंदर 5 जोड़ी मैंने सॉक्स रख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अपने लिए कुर्ते पजामे रख लिए हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ भी एथनिक वियर पहनने के लिए दिवाली वगैरह पर एंड कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि कभी भी कल्चरल फेस्ट होते हैं, तो फिर मैं इन सबको पहन सकता हूँ। मैंने अपने साथ में 3 कुर्ताज कैरी करे हैं, येलो, रेड एंड वाइट। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ये शर्ट दिख रही होंगी वाइट कलर की, ब्लैक एंड ग्रे। सो मैंने 3 शर्ट्स अपने लिए रखी है, जैसे कि वहाँ पर कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़ जाती है, तो फिर ये शर्ट आपको पहन लेनी है एंड प्रेजेंटेशन वगैरह ईजिली आप दे सकते हो। सो गाइज मैंने 3 शर्ट रखी हैं, अगर मेरे बैग के अंदर और जगह होगी तो मेरे पास 2 शर्ट और रखी हैं, मैं उन 2 को भी डाल लूँगा, इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं, शर्ट आप ले जा सकते हो एंड इसको पहन भी सकते हो जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह, एंड आप ऑफिस वर्क के अंदर जैसे भी कुछ काम कर सकते हो वाइट कलर जॉब, तो फिर उसके अंदर आप इसको पहन सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये अंडरवेयर्स ले लिए हैं, मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने यहाँ पर ये 11 अंडरवेयर्स ले लिए हैं। मैंने 11 इसलिए लिए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ड्री जो होती है ना वो वीकली होती है, क्योंकि सैटरडे संडे की जो आपकी वहाँ पर यूनिट्स होती है ना बिजली की, वो थोड़ी सी सस्ती हो जाती है, इसलिए वहाँ पर सैटरडे संडे को ही लॉन्ड्री करते हैं। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को सैटरडे संडे को टाइम नहीं मिलता, तो फिर एक वीक स्किप हो जाता है, इसलिए मैंने अपने साथ में 10 अंडरवेयर्स रख लिए हैं। सो गाइज मेक श्योर करना आप लोग भी अपने साथ में 10 to 12 तो ईजिली लेकर ही जाओ, क्योंकि कभी कभार आप लोगों को स्टार्टिंग के डेज में ऐसा होता है कि वीक में टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप अंडरवेयर इसलिए आप चेंज वगैरह कर सकते हो, इसलिए 10 to 12 आराम से लेकर के जाना। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये मैंने 2 डस्टर ले लिए हैं किचन के अंदर काम करने के लिए, जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं तो फिर आटा लग जाता है, तो फिर उसको ईजिली आप झाड़ सकते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है आपके लिए, तो फिर इसको ले जाना किचन के अंदर काम करने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी मस्ट होता है ये। नेक्स्ट ये हैंड टॉवल मैंने ले लिया किचन वगैरह का काम करने के बाद में यूज़ करने के लिए, ये फेस टॉवल, एंड ये मैंने 2 टॉवल अपने साथ में रख लिए हैं, ये वाली दोनों। सो गाइज नेक्स्ट अपने साथ मैंने ये ब्लैक कलर का सूट रखा है, ब्लेजर विथ पैंट, 2 पीस मैं अपने साथ में सूट लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी क्या होता है प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़ जाती है, सो आप लोगों को ब्लैक ब्लेजर आप लोगों को नीड होता है, तो इसको मेक श्योर करना, जैसे कि आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट हो एमबीए वगैरह करने के लिए जा रहे हो, तो फिर ये आपको नेसेसरी होता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है, सो इसको ले जाना भूलना मत, अभी के अभी लिख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों को अपनी सारी की सारी क्लोथिंग दिखा दी है। नेक्स्ट अब आप लोगों को मैं अपनी एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शूज़ वगैरह दिखा देता हूँ जो भी मैं लेकर के जा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक का आइटम सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही लेके जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्यों नहीं लेके जा रहा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप भी नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि मैं लैपटॉप अपना कनाडा के अंदर ही खरीदूंगा, यहाँ से मैं नहीं लेकर जा रहा। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि वोल्टेज का एक तो फ़र्क आ जाता है, ऊपर से जो उसका पिन होता है ना, एक तो यहाँ पर अडेप्टर आप लोगों को सबसे ज़्यादा नेसेसरी होगा, ये अडेप्टर क्या है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, सबसे पहले लैपटॉप की बात पर आते हैं। तो फिर वहाँ का जो पिन है ना वो वहीं के हिसाब से चलती है, इंडिया का वहाँ पर नहीं चलता, एंड जो भी आपकी वारंटी है वो भी आप लोगों की इंडिया वाली वहाँ पर नहीं चलेगी, मिल भी जाती है तो फिर इतना ज़्यादा आपको धक्के लगेंगे ना, खुद पूछने वाली बात नहीं है, इसलिए आप लोग कनाडा के अंदर ही जाके लैपटॉप वगैरह बाय करना अगर आप लोगों को न्यू करना है तो। एंड आयरन
वगैरह आप लोग कुछ मत लीजिएगा। हेयर ड्रायर ये भी आप लोग कुछ मत लीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ पर जो वोल्टेज का सिस्टम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा धीरे होता है। लाइक यहाँ पर अगर आपको 440 है तो फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 मिलेगा। इसलिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम से कम ही यहाँ से लेकर जाओ, वहीं पर जाकर परचेज़ कर लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा मेरा एयरडॉप्स, USB केबल टाइप सी की, मेरे फ़ोन की केबल, एंड देन मेरा ये अडेप्टर चार्जर। यहाँ पर ये आपको पावर बैंक देखने के लिए मिल जाएगा, ये 20,000 mAh का है। जैसे वहाँ पर ठंड वगैरह पड़ती है तो फिर बैटरी जल्दी से जल्दी ड्रेन हो जाती है। ये यहाँ पर आप लोगों को ट्राईपॉड देखने के लिए मिल जाएगा, ट्राईपॉड आप लोगों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता हूँ इसलिए मुझे ट्राईपॉड की नीड है, इसलिए मैं आप इसको ले करके जा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो फिर उसको मत लेके जाइए, एंड जो अभी वीडियो मेकर्स हैं वो सब इसको लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट ये यहाँ पर ये मेरा माइक है, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए मेरे को माइक वगैरह की ज़रूरत होती है, तो फिर मेरा माइक है। ये यहाँ पर USB केबल मैं एक एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा हूँ, अगर ये कट जाती है तो फिर मेरे लिए एक अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट ये यूनिवर्सल अडेप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको बिल्कुल भी ले जाना मत भूलिएगा। मैं अपने साथ में 3 लेकर के जा रहा हूँ। ये क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर दिया तो फिर ये यूरोप का बन जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर ये यूरोप का बन गया। अब मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर देता हूँ तो फिर ये USA एंड कनाडा के अंदर बन जाता है। जैसे भी आप लोगों को यूज़ करना होता है, जैसे कि ये ऐसे करके घूम भी जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने घुमा दिया, यहाँ से घुमा दिया तो फिर ये USA का बन गया। एंड वगैरह जो भी होता है मैं वहीं पर जाकर देखूँगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट एक और लॉक लगा हुआ है, मैं इसको खोल देता हूँ तो फिर ये UK और सिंगापुर वाला बन जाता है। देखिए जैसे कि ये बन गया। तो फिर ये यूनिवर्सल अडेप्टर है, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर चलता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि इंडियन अडेप्टर जो भी इंडिया आपकी इंडियन पिन है ना वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगी। आप लोगों को ये अडेप्टर ज़रूरी ले करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो ये वहाँ पर पिन काम नहीं करेगी इंडिया कैनेडा और USA के अंदर, ये वाली पिन का चलता है काम। इसको मैं बंद कर देता हूँ। कैनेडा और USA के अंदर ये वाली पिन चलती है, आप लोगों की ये वाली पिन वहाँ पर नहीं वर्क करेगी। आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि ये अडेप्टर है इसके अंदर ये आपको यहाँ पर इसके अंदर डालना होगा, तभी आपका ये अडेप्टर काम कर पाएगा। तो मेक श्योर करना गाइस, इसको आप 2 to 3 लेकर के जाओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। मैंने अपने यहाँ पर ये ट्रिमर भी रख लिया है, ट्रिमर मैंने सिस्का का लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये 20 एडजस्टेबल मिल गए थे साइज़, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था ये, इसलिए मैंने ट्रिमर सिस्का का ले लिया था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है पर, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके जो ब्लेड्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड पावरफुल भी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये ले लिया था। यहाँ पर ये लॉक भी मेरे को मिल जाता है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, तो फिर काफ़ी अच्छा है ये, हैंडी है। नेक्स्ट ये टाई, मैंने टाई भी ले लिया एक शर्ट वगैरह के अंदर पहनने के लिए, जैसे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है। यहाँ पर ये एक टूथब्रश भी ले जाना बिल्कुल मत भूलेगा। मैंने ये अपना पूरा 2 साल के लिए टूथब्रश रख लिए हैं, मैंने 4 टूथब्रश लेकर के जा रहा हूँ, पूरा पैकेट है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये शू पॉलिश एंड ब्रश रख लिया है, जैसे कि मैंने अपने शूज़ लिए हैं फॉर्मल वाले तो फिर उसके लिए मेरे को यूज़ होंगे। एंड यहाँ पर ये मैंने अम्ब्रेला ले लिए हैं, जैसे कि मैं वैनकूवर जा रहा हूँ तो वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं ये अम्ब्रेला अपने साथ में कैरी करूँगा हर टाइम, क्योंकि वहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है, बेमौसम बारिश हो जाती है, तो फिर इसलिए आप लोगों को अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाना है। एंड अगर आप नहीं भी लेकर जाते तो फिर वहाँ पर मिलते हैं तो ईज़िली आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अपने साथ में एक अम्ब्रेला कैरी ज़रूर करिएगा, तो फिर ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट मैं अपने साथ में ये रेनकोट भी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बारिश वगैरह आती है तो फिर मैं भीग ना जाऊँ, इसलिए मैंने अपने साथ में रेनकोट भी रख लिया है। आप लोग भी रख सकते हो, मैंने रख लिया है क्योंकि मेरे को बारिश ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने साथ में रेनकोट कैरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी स्लीपर देखने के लिए मिल जाएगी, मैंने फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं, ये वाले थोड़े से मेरे को ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं। यहाँ पर ये देखो, आप देख रहा होगा तो आपको ये 1 पीस है, जो आप लोगों को मिलते हैं ना 2 पीस वाले वो यहाँ से उखड़ जाते हैं, इसलिए मेरे को ये वाले काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। अगर आप लोगों को लेना है तो फिर आप पूरे 1 पीस वाला लीजिएगा, ये टूटते नहीं है इतनी जल्दी से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये फॉर्मल शूज़ लिए हैं, प्योर लेदर कोल्हान का मैंने जूता लिया है, काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है इसको वेयर करना एंड काफ़ी ज़्यादा इसको ईजी रहता है मेनटेन करना भी,
तो फिर इतना ज़्यादा कुछ इतना वो है नहीं इसका, बाकी पॉलिश मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसको कर दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चलता है ये। नेक्स्ट मैंने ये नाइकी का पेगासस ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा हल्का शू है ये एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है रनिंग वगैरह के लिए। एंड जब भी मैं अपनी शिफ्ट वगैरह के लेना चाहूँगा कैनेडा के अंदर, जैसे कि ज़्यादा चलना पड़ता है, तो फिर ये वाले शूज़ वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एंड ये नाइकी का एयर फोर्स वन, जिसको ख़रीदने के लिए मेरे सारे के सारे जेबें ढीली हो गई, तो फिर इसको भी मैं अपने साथ में कैरी करूँगा। सो गाइज, मैंने आप लोगों को अपना सारा का सारा आइटम दिखा दिया है जो भी मैं कनाडा लेकर के जा रहा हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ ये सारी के सारी चीज़ें मस्ट हैं, आप लोगों को लेकर के जानी चाहिए इंडिया से। हाँ, वहाँ पर मिलती हैं, पर लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, तो फिर आप लोग इंडिया से अपना लेकर के जाइए, यहाँ पर थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। तो फिर गाइज, आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड यस, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर ये मेरी इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप लोग मुझे DM कर सकते हो, मैं आप लोगों की क्वेरी जरूर सॉल्व कर दूंगा। एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, बाय।